नमस्कार नीना मैम, आपका होम रिवाइज में स्वागत है। सुना है आपने होम रिवाइज का सॉफ्टवेयर लिया है अपने बच्चे के लिए? जी हाँ। ओके, आपके बच्चे का नाम क्या है? चिंतन ठक्कर। तो मैम, चिंतन कौन से स्कूल में पढ़ता है? फ्रेंड्स स्कूल में पढ़ता है। अच्छा, फ्रेंड्स स्कूल कहाँ पे लोकेटेड है ये? मुलुंड में मैडम। ओके, अभी प्रेजेंटली चिंतन कौन से स्टैंडर्ड में है? सेवन स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है। आपने जो होम रिवाइज का सॉफ्टवेयर लिया है वो सिंगल स्टैंडर्ड के लिए लिया है या आपने पैकेज एडमिशन लिया है? मैडम पैकेज एडमिशन, फर्स्ट टू टेंथ स्टैंडर्ड। अच्छा, कुछ खास वजह है कि आपने पैकेज एडमिशन लिया है? हाँ, क्योंकि घर में देवरानी की लड़की है तो दोनों जन करेंगे एक ही पैकेज से। होम रिवाइज का सॉफ्टवेयर लेने से पहले आप चिंतन की पढ़ाई कैसे लेती थी? चिंतन की पढ़ाई ऐसा ना मैडम कि मैं वर्किंग हूँ तो पूरे लेसन तो मैं एक्सप्लेन कर नहीं पाती हूँ। एग्जाम का फोकस मेन होता है क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर, तो बस क्वेश्चन आंसर्स वो बाय हार्ट करता है और टेस्ट देता है। अच्छा, यानी ज्यादा फोकस क्वेश्चन आंसर्स बाय हार्ट पे रहता है। यस यस। मैम मुझे एक बात बताइए कि आपने ये सॉफ्टवेयर कब लिया है? मैडम एक साल हो गया। एक साल हो गया? यस। तो आपको पिछले साल के परफॉर्मेंस में और इस साल के परफॉर्मेंस में कुछ डिफरेंस नजर आया? यस यस ऑफ कोर्स। लास्ट ईयर उसका परफॉर्मेंस था करीबन 65% तक वो आता था, होम रिवाइज देने के बाद वो 74% तक स्कोर किया है। वाओ ग्रेट, यानी इसका मतलब 9% उसके बढ़ चुके हैं। यस 9%। वी कैन होप कि उसके 8, 9, 10 में और अच्छे मार्क्स बढ़ जाएंगे। हाँ जरूर। मैम, चिंतन को होम रिवाइज में से सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है? मैथ्स एंड साइंस। कुछ खास रीजन? हाँ मैडम, मैथ्स में ऐसा है ना कि स्कूल में एक एक्सरसाइज में कम से कम 10 सम्स होते हैं, स्कूल में 3-4 हार्डली 5 सम्स करवाते हैं, बाकी के वो सब होमवर्क में देते हैं और सब सम्स होते हैं उसके कॉन्सेप्ट्स सेम नहीं होते हैं, उसमें वेरिएबल्स तो होते ही हैं, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो चिंतन आके पहले होम रिवाइज में देख लेता है कि सम्स कैसे करने हैं, फिर वो अपने आप खुद कर लेता है, उसके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। और उसको साइंस सब्जेक्ट क्यों अच्छा लगता है? साइंस अच्छा लगने का रीजन ये है कि बहुत सारी चीजें ऐसी है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो रीजन पे हम लोग नहीं जा सकते, लाइवली नहीं देख सकते हैं, लेकिन इसमें समझो पोलर बियर ले लो कि कोई स्टोन्स ऐसे हैं या रॉक्स वगैरह है, माउंटेन्स वगैरह है, इसमें एकदम क्लियरली दिखाया कि जैसे हम खुद वहां पर जाके देख कर आए ऐसा फीलिंग होता है। एक्चुअल एक्सपीरियंस मिलता है बच्चों। हाँ राइट। मैम, चिंतन कितना घंटा होम रिवाइज यूज करता है? मैडम घंटे की तो कुछ बात ही मत पूछो, उसको बस वो लेके बैठता है, आगे आगे के चैप्टर देखते रहता है, मतलब वो इतना एक्साइटेड रहता है कि आगे के चैप्टर में मतलब कैसा एनिमेशन होगा और मुझे क्या नया जानने मिलेगा, तो मुझे उसको स्टॉप करना पड़ता है कि अभी थोड़ी देर स्टॉप कर और अभी खेलने जा। अच्छा, तो करिकुलर एक्टिविटीज यानी खेलने कूदने के लिए टाइम निकल पाता है? नहीं निकलता है, मुझे उसको जबरदस्ती भेजना पड़ता है। अरे वाह, इसका मतलब यह है कि होम रिवाइज के सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसकी इस पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया है। हाँ हाँ, ये बात तो बोल सकते हैं कि बहुत इंटरेस्ट बढ़ गया है। मैम, चिंतन को कोई क्लास लगा है अभी हमने? नहीं मैडम, अब तक तो मैं खुद ही उसका स्टडी लेती थी, अगले साल सोचा था कि 8 स्टैंडर्ड में उसको क्लासेस लूंगी क्योंकि हर जगह पे पैकेज रहते हैं 8, 9, 10 के, लेकिन अभी होम रिवाइज का पैकेज लेने के बाद ना मुझे डाइजेस्ट लेने की जरूरत है ना किसी क्लासेस की जरूरत है। मैडम और एक बात बताना चाहूंगी कि जो 8, 9, 10 के पैकेज की जो फीस है उससे कहीं ज्यादा कम रेट पे मुझे फर्स्ट टू टेंथ स्टैंडर्ड का पैकेज मिला है। मैम, आपने शुरुआत में बताया था कि आप उसकी पढ़ाई लेते हो यानी क्वेश्चन आंसर उससे लर्न करवा के लेते हो, अभी आप उसकी पढ़ाई में कितना इन्वॉल्व होते हो? वो तो पढ़ता है, उसके साथ में मैं भी सीखती हूँ और कई सारी ऐसी चीजें हैं, कई सारी ऐसे कंसेप्ट हैं जो मुझे भी जानने मिले हैं। अरे वाह, इसका मतलब बच्चे के साथ साथ आपका भी नॉलेज बढ़ रहा है। हाँ, मुझे भी नॉलेज मिल रही है। मैम, अगर होम रिवाइज के सॉफ्टवेयर में आपको कुछ चेंज करना हो तो आप क्या सजेस्ट करोगे? मैम सजेशन देने का तो कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि होम रिवाइज में हर कंसेप्ट को इतना अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया गया है, ये पूरा कम्प्लीट पैकेज है, कोई नया कंसेप्ट ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। वेरी गुड। मैम, आपको एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी कि आपको होम रिवाइज के सॉफ्टवेयर में सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छी चीजें मुझे तीन लगी है, एक इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है, दूसरी बात है कि एनिमेशन बहुत अच्छी तरह से किया गया है, और तीसरा है कंसेप्ट जो स्टेप बाय स्टेप हर एक कंसेप्ट को क्लियर कर रहा है। सो दीज आर द 3 बेस्ट क्वालिटी ऑफ होम रिवाइज पैकेज। वेरी नाइस मैम, हम लोग को बहुत अच्छा लगा आज हमारे ऑफिस में आए
आपने खुद ने आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया. थैंक यू सो मच वीना मैम.